हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए नया गेम प्ले, और आज थोड़ा सैड डे भी है क्योंकि आज मेरे पुराने वीडियोस में मैंने जितनी भी लूटें की थी, जितनी भी मेरे पास लूट थी, घर था एक, मेरे घर जो मैंने बनाया था वो सब का सब जा चुका है। तो मुझे फिर से नया शुरू करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मुझे फिर से नया शुरू करना पड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो अभी करते हैं हम गेम प्ले स्टार्ट। तो आप देख सकते हो मैं शुरुआत में मैंने वुड तोड़ना शुरू कर दिया ताकि मैं फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बना सकूं, एंड मैंने फटाफट से ब्लॉक बना लिया एंड क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक बना लिए, और मैं फटाफट से अपनी स्वॉर्ड बना लूँगा एंड स्वॉर्ड पिकेक्स मैंने बना लिया है। मैं फटाफट से अपना क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ क्योंकि मुझे जाना है अभी, मतलब एक अच्छा सा जगह ढूंढना है जहाँ पर मैं घर बना सकूँ या फिर विलेज। पर उससे पहले मैं थोड़ी वुड इकट्ठा कर लूँगा क्योंकि रास्ते में मुझे वुड काफ़ी ज़्यादा काम आएगा अलग अलग टूल्स के लिए, अलग अलग सामान के लिए। तो गाइस एक चीज़ कहना था कि जैसे कि जिसने भी मेरा पुराना वीडियो देख रखा है उसको पता रहेगा मेरे पुराने वीडियो में मैंने कितना अच्छा घर बनाया था। लाइक छोटा ही था बट बहुत सही था। बट अभी मुझे क्या कर सकते हैं, अभी मेरे पास कुछ और चारा बचा नहीं नया गेम प्ले शुरू करने के अलावा, क्योंकि वो सारा चीज़ डिलीट हो गया था। इसकी वजह से अब मैं शुरू कर रहा हूँ नया गेम प्ले। तो शुरू करते, तो आप देख सकते हो अभी मैं थोड़ा शिकार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हंगर कम हो रहा है, तो मैं फटाफट से थोड़े बहुत शिकार करूँगा इधर। तो थोड़ी बहुत मुर्गियाँ मारी मैंने, एंड गाइस जैसे ही मैं मुर्गियाँ मार रहा था तभी मुझे दिखा एक बड़ा सा केव। तो केव दिखा तो लूट तो केव के अंदर बहुत रहता है, बट केव में जाना बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सबल के जाएंगे क्योंकि शुरुआत का गेम प्ले, एंड मैं नहीं चाहता था कि मेरी बैंड बच जाए। तो इसके लिए मैं नॉर्मली साइड से पहले दो डिक किया, देन साइड में मैंने जैसे कि सामने देख सकते हो आपकी ब्लॉक थोड़े थोड़े नीचे जाके ख़त्म हो जाए, तो मैं नहीं चाहता था कि अचानक से ख़त्म हो जाए और मैं गिर के मर जाऊँ। इसके लिए मैंने एक दिमाग लगाया कि मैं दो साइड का डिक करते जा रहा था, लाइक लेफ्ट में खड़े रह के राइट का तोड़ रहा था, राइट में खड़े रह के लेफ्ट का तोड़ रहा था। तो गाइस ऐसे ही करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था, बट आगे जाके मेरे लिए एकदम रास्ता बंद टाइप सा हो गया था। तो गाइस मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे नीचे जंप करना पड़ेगा। एंड जंप करने से पहले मैं एक बार सोच रहा था कि मतलब तोड़ के देख लूँ कितना ज़्यादा नीचे हाइट है। तो गाइस जब मुझे लगा कि अभी कोई रास्ता नहीं बचा है तो मैंने नीचे जंप कर लिया, एंड जैसे मैं नीचे आया तो आप देख सकते हो सामने मेरे एक ज़ॉम्बी था जो कि पहले से ही उसको बर्न इफेक्ट मिल रहा था एज अ सन। तो अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा तो मुझे नीचे तो जाना ही था, एंड नीचे जाने से पहले मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल रख लूँगा क्योंकि ज़्यादा ब्लॉक में वेस्ट नहीं कर सकता था। इसके लिए मैंने फटाफट से अपना क्राफ्टिंग टेबल उठाया एंड मैं नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा था, मतलब देख रहा था कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा सेफ रहेगी ताकि मैं उतरते वक्त मुझे कम से कम डैमेज पड़े, और ये स्पाइडर इसकी भैंस की टांग बार बार बीच में आ रहा है यार। सो गाइस अभी मुझे नीचे पानी दिख रहा था, एंड अगर मैं इधर उधर ज़रा सा भी कूदा तो मेरा गेम तो शुरुआत में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे एकदम परफेक्ट जंप लगानी पड़ेगी। एक सेकेंड ये किया, और सो गाइस मैं परफेक्ट जंप लगाया एंड मैं नॉर्मली आ चुका हूँ ऊपर, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है एंड मेरे पास टॉर्चेस भी नहीं है क्योंकि मुझे अभी तक कोल भी नहीं मिला है जिसकी वजह से मैं टॉर्च बना सकूँ। तो मुझे फटाफट से पहले थोड़ा लाइट वाले एरिया में, मुझे सामने लाइट दिख रहा है तो मैं उधर जाऊंगा सबसे पहला, लाइक जहाँ पे लावा है ताकि कुछ दिखे तो आजू बाजू क्या है। गाइस मैं वहाँ पे नहीं गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे गहरा लग रहा था, तो मैं साइड में एक मतलब लेक टाइप था तो उसके अंदर जाके मैं साइड में गया जहाँ पे थोड़ी ग्लो बैरिस थी ताकि मुझे खाने का मेरा जुगाड़ हो सके, क्योंकि क्या कर सकते हैं, पापी पेट का सवाल है भाई। तो गाइस मैंने फटाफट से वहाँ से सारे ग्लो बैरिस तोड़ लिए, सारे नहीं मतलब थोड़े बहुत जितने मुझे लगे कि हाँ काम के हैं उतने, एंड मैं थोड़ा आगे चला गया जिसकी वजह से मेरी थोड़ी लूट और मतलब मैं ज़्यादा लूट कर सकूँ। सो गाइस मैं जैसे ही यहाँ पे आया मुझे काफ़ी सारे आयरन दिखे, एंड गाइस मैंने उन्हें फटाफट से जमा कर लिया क्योंकि मुझे आयरन की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, पर उससे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे इस टाइम पे कोल की, क्योंकि यहाँ तो ग्लो बैरीज है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोशनी है, पर काफ़ी ऐसी जगह पे जहाँ ग्लो बैरीज नहीं है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो वहाँ पे जाने के लिए तो मुझे ग्लो बैरीज चाहिए थी। और तभी मुझे अचानक से कुछ अजीब सी जगह दिखी, लाइक यहाँ का साउंड देख लो कितना सही आ रहा है, एकदम पियानो टाइप आ रहा है, टन 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 टाइप। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत तोड़ के रख लूँगा, एंड अगर मुझे और लग गया तो मैं बाद में तोड़ूंगा, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था तो मैंने फटाफट से थोड़े बहुत से क्रिस्टल तोड़ लिए, एंड मैं वहाँ से थोड़े बहुत क्रिस्टल तोड़ के जमा करके मैं वहाँ से निकलने की तैयारी करने लग गया। एंड मैं वहाँ से जैसे ही निकला
आगे गया तभी वहां पे मुझे काफी मतलब ग्लोइंग सी गुफा टाइप केव टाइप मिली, जहां पे मैं सोचा कि मैं अंदर जा सकता हूं क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा उजाला था एंड इसके वजह से मुझे टॉर्च की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अंदर जाने का सोचा पर उसके साइड में ही मुझे काफ़ी सारे आयरन दिख गए, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आयरन जमा कर लेता हूँ और फिर जाता हूँ उसके अंदर। तो मैंने फटाफट से अपना काम शुरू कर दिया जिसे कहते हैं माइनिंग, हमको सिखा दिया है, और मैंने काफ़ी सारे आयरन तोड़े एंड मुझे ऊपर भी काफ़ी सारे आयरन दिख गए। एंड गाइज मुझे एक जगह कोल मिले काफ़ी सारे, तो मैंने उधर ही अपना क्राफ्टिंग टेबल रख दिया और मैंने वहाँ पे अपना माइनिंग करना शुरू कर दिया, तो ताकि मुझे जितने भी कोल मिले तो फिर मैं वो सब कर लूँ। पर फिर मुझे याद आया कि यहाँ रखे तो फ़ायदा ही नहीं है, तो इसके लिए मैंने वहाँ से तोड़ लिया। बट वहाँ पे मुझे मिला रेड स्टोन, बट मैंने एक अच्छी जगह पे आया, देन मैंने वहाँ पे फर्नेस बनाया एंड फर्नेस में मैंने जितना भी आयरन लिया था एंड जितना भी मुझे कोल मिला उसे मैंने मेल्टिंग के लिए लगा दिया, और फिर मैं थोड़ी बेरीज उठाई और फिर मैं चला गया और आयरन या गोल्ड की फाइंडिंग करने। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे आयरन दिखे एंड मैंने फटाफट से आयरन तोड़ना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारे आयरन मिले एंड मुझे तलाश थी डायमंड या फिर गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड एंड डायमंड काफ़ी ज़्यादा रेयरली मिलते। इसके लिए मैं थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करने लग गया एंड मैं जैसे ही नीचे देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा गुफा दिखा एंड जाने से पहले मैं थोड़ा डर रहा था क्योंकि बड़ी गुफा यानी ज़्यादा खतरा एंड ज़्यादा लूट, तो दोनों का लालच था एंड इसके वजह से मैं सोच रहा था जाऊं कि नहीं। तो तभी मैंने सोचा कि जाना तो बनता है, तो मैंने फर्स्ट ब्लॉक तोड़ा एंड मैं सोच रहा था कि सीधा नीचे ना गिर जाऊं, इसके लिए मैं थोड़ा संभल संभल के तोड़ रहा था एंड मैं देख रहा था कि नीचे है क्या ताकि ऊपर से थोड़ा जिग जाए तो आइडिया आ जाए। बट जैसे ही वो टूटा नीचे सीधा एक ब्लॉक खा लेता एंड सामने स्पाइडर था एंड क्रीपर, भागना पड़ा मुझे भाग भाग एंड ये क्रीपर लोग बड़े हरामी होते साले, बहुत बेकार हेल्थ कम कर देते यार। एंड मेरे पीछे था स्पाइडर, जैसे ही मेरे पीछे स्पाइडर पड़ा तो फिर मैंने उसे मारना शुरू किया एंड ज़्यादा नहीं, उसने मेरा एक हार्ट तक वेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारा भाई भी प्रो हो गया अभी थोड़ा बहुत। और ये रहा गोल्ड, तो फटाफट से हम इसे निकाल लेंगे एंड इसे निकालने के बाद ये हमारा फर्स्ट गोल्ड रहेगा माइनक्राफ्ट। ओ एक सेकेंड, मुझे आयरन का पिकेक्स लाना पड़ेगा तभी ये टूटेगा यार, हट मैं बिना क्या क्या करता हूँ, छोड़ो अभी हम जाते हैं आगे थोड़ा क्योंकि अभी ऊपर जाना हमें कोई फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, तो मैं ऊपर आ गया फटाफट से एंड जैसे मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि मुझे 42 आयरन्स मिले एंड मेरे 3 कोल फिर भी बच गए, तो मैंने फटाफट से आयरन लिया एंड मैंने अपना फर्नेस ले लिया और तो और मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल भी उठा लिया ताकि मैं फटाफट से यहां से चल पड़ूं, क्योंकि सारा सामान साथ में रखना ज़्यादा अच्छा रहता है करके मैं थोड़ी ग्लो बैरिज भी उठा ली क्योंकि अब मैं जाने वाला था नीचे और नीचे ज़्यादा ही अंधेरा और ख़तरा सब है। ये देखो ज़ॉम्बी आगे, देखो इधर, रुक एक सेकेंड, ये ले साले, एक और हाँ लग मत मुझसे भैंस की टांग तेरी। तो गाइस मैं बराबर से गोल्डन बैरीज इकट्ठा कर रहा था, गोल्डन बैरीज ऊपर ही अटक गई, तो मैं बराबर से गोल्डन बैरीज इकट्ठा कर रहा था तभी मुझे दिखा गोल्ड एंड जैसे मुझे गोल्ड दिखा तो इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने सीधा आयरन की पिकेक्स निकाली एंड एक गोल्ड नहीं था वहाँ थे काफ़ी सारे गोल्ड, लाइक अभी गिनेंगे कितने तो टोटल कितने गोल्ड होंगे अपने पास, लाइक 5 से 6 से 8 गोल्ड तो हमें आराम से मिलेंगे इधर। कितने गोल्ड हुए एक सेकेंड, तो हमारे पास टोटल 7 गोल्ड हुए एंड आयरन का रॉ आयरन हमारे पास 40 था एंड मेल्टेड आयरन हमारे पास 46 था, जिसमें से मैंने एक आयरन पिक एक्स बनाई एंड मैं अभी बनाने जा रहा था अपने लिए आर्मर, क्योंकि नीचे जाना है तो आर्मर तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बिना आर्मर के मैं नीचे गया तो एक बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी जो मैं कभी नहीं करना चाहूँगा, तो इसके लिए मैंने फटाफट से आर्मर बना लिया एंड जैसे ही मैंने आर्मर बनाया तो मेरा जो कैरेक्टर था वो पूरी तरह से सेफ हो गया। फिर मैंने वहाँ से फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल उठा लिया क्योंकि मुझे वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं था, तो मैंने जैसे क्राफ्टिंग टेबल उठाया उसके बाद मैं नीचे जाने के लिए रास्ता ढूंढने लग गया, एक सबसे ज़्यादा सेफ रास्ता क्योंकि नीचे जाना है और नीचे जाने से पहले मेरी हेल्थ ख़त्म हो जाए तो भाई फिर नीचे क्या ही जाऊँगा। और तभी नीचे जाते जाते मुझे फिर से गोल्ड मिल गया, तो फिर से आपके भाई ने आयरन वाली पिकेक्स निकाली क्योंकि इस बार मैं फिर से गलती नहीं करना चाहता था जो मैंने पिछली बार करके अपना गोल्ड वेस्ट किया। और आप भी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी गोल्ड तोड़ रहे हो तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए आयरन की पिकेक्स, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है गोल्ड लेने के क्योंकि उसके बाद आपका गोल्ड पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर गोल्ड चाहिए तो आयरन की पिकेक्स लेके ही जाए।
और गाइज मैंने नीचे जाने के लिए रास्ता ढूंढ लिया था एंड रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट था बट रास्ता था अच्छा और नीचे जाने के लिए सही रास्ता था एंड नीचे काफ़ी सारे मॉब्स थे लाइक क्रीपर स्केलेटन जॉम्बी काफ़ी तरह तरह के थे एंड जैसे ही मैं नीचे आया मुझे नीचे आते ही समझ में आ गया यहाँ कितनी ज़्यादा डेंजर वाली मेरी फाइट होने वाली है। सो गाइज मैंने नीचे आते ही जो सबसे पहला काम किया वो था ढाल बनाना क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पास शील्ड रहेगी तभी मैं इनसे बच सकता हूँ नहीं तो ये तो मेरी अच्छी खासी ले लेंगे। इसके लिए मैंने फटाफट से शील्ड बनाए एंड मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रख दिया एंड मैं जैसे ही थोड़ा आगे गया तो मुझे फिर से एक गोल्ड दिखा। काफ़ी सारे गोल्ड तो दिखे मतलब गोल्ड तो दिख ही रहे थे पर उसके साथ काफ़ी सारे मॉब्स भी दिख रहे थे तो इसके लिए मुझे एकदम सेफ्टी के साथ खेलना पड़ रहा था बट मैंने फटाफट से मौके का फ़ायदा देख के पिकेक्स निकाली और सिर्फ वहाँ एक ही गोल्ड था यानी कि सिर्फ एक गोल्ड। इसके लिए मैंने सोचा इतनी ज़्यादा मेहनत की यहाँ लावे के इधर पत्थर वत्थर लगाए एंड ये देखो ये ज़ॉम्बी आ गया इधर मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि इसको मारूंगा तो एक के बाद एक स्पॉन होते ही जा रहे। इसके लिए मैं वहाँ से फटाफट से भाग गया एंड गाइस ये लावे के इधर से मुझे जंप करना पड़ेगा ये कुछ ज़्यादा ही रिस्की होने वाला है। ओके ओके लाइक हो गया और ये था रेड स्टोन तो मैंने फटाफट से सारे रेड स्टोन जमा कर लिए क्योंकि मुझे रेड स्टोन भी काफ़ी काम आएंगे आगे अभी नहीं पर आगे मुझे काफ़ी काम आएंगे। तो मेरे पास 15 रेड स्टोन थे एंड मैंने टॉर्चेस भी बना लिए थे अपने लिए जिस जो कोल मेरे मेल्टिंग के बाद बच गए थे एंड ये रहा मेरा फर्स्ट डायमंड तो मैंने फटाफट से अपना फर्स्ट डायमंड भी ले लिया एंड सिर्फ एक ही था लाइक इतना ज़्यादा मारामारी सिर्फ एक डायमंड के लिए शह। तो मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी जगह थी बट यहाँ क्रीपर आ गया तो मैं पानी में था तो मैंने ज़्यादा उससे डरने की मुझे ज़रूरत थी नहीं एंड बट जिससे डरने की ज़रूरत थी वो थी ज़ॉम्बीज एंड स्केलेटन क्योंकि ये दोनों ही ज़्यादा खतरनाक है सबसे ज़्यादा खतरनाक है स्केलेटन बट मेरे पास शील्ड थी तो नॉर्मली उससे ज़्यादा डरने की मुझे ज़रूरत थी नहीं बट फिर भी ज़ॉम्बीज से फाइट करते करते यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे एंड क्रीपर भागो लाइक रन। भाई साहब तीर पड़ रहे पता नहीं कहाँ से मार रहे यार वो समझ में नहीं आ रहे। एक सेकेंड रुको थोड़ा आगे जाके बढ़ जाता हूँ। ओके तो मैंने यहाँ शील्ड लेके तैयार हूँ एकदम जो आ ही गया एंड गाइस ये भी गया और देखो दिख रहा है पीछे दिख रहा है आपको स्केलेटन साला पीछे से वार कर रहा है। तो मैं यहाँ से फटाफट से निकलने का सोच रहा हूँ क्योंकि स्केलेटन से भिड़ना यानी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वाला काम है तो मैं यहाँ से फटाफट से निकल लूँगा। सो गाइस मैं कैसे भागा एक हार्ट पे बचाओ मैं सिर्फ एक हार्ट पे देख रहे हो आप और उस पर भी साले एक के बाद एक मॉब मेरे पे हमला करते जा रहे तो मैं वहाँ से फटाफट से निकल गया क्योंकि और भी कुछ लूट वहाँ बची थी नहीं। तो जैसे मैं वहाँ से निकला तो मुझे फटाफट से मेरी हेल्थ कम हो रही थी जिसकी वजह से मेरा हंगर भी कम हो रहा था तो मैंने फटाफट से ग्लोबेरीज खाई एंड मुझे एक और क्रिस्टल का एक जैसे पहले मिला था वैसे मुझे एक और क्रिस्टल का एक काफ़ी अच्छी जगह मिल गई तो मैंने फिर से क्रिस्टल थोड़े बहुत उठा लिए क्योंकि पिछले टाइम मुझे लगा मैंने बहुत सारे क्रिस्टल लिए बट वो सिर्फ 24 ब्लॉक ही थे तो 24 ब्लॉक से मैं सोचा मेरा क्या होगा करके मैंने काफ़ी सारे क्रिस्टल ले लिए एंड और मैं वहाँ से निकल पड़ा क्योंकि थोड़े ही मैंने कितना थोड़े नहीं मतलब 48 ब्लॉक्स मैंने ले लिए थे क्रिस्टल के अगर मुझे कम पड़ेगा कम तो ऐसे मुझे पड़ेगा नहीं बट फिर भी मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉब स्पॉनिंग होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं वहाँ से फटाफट से निकल रहा था तो तभी मुझे यहाँ पे एक क्रीपर की साउंड आई तो मैं फटाफट से भागा एंड गाइस बच गया मैं लिटरली मैं बच गया क्योंकि मेरे पास सिर्फ टू या थ्री हार्ट्स थे मेरे पास थ्री एंड हाफ हार्ट्स थे वन एंड हाफ हार्ट्स मेरे चले गए आप देख सकते हो एंड यहाँ पे पानी का साउंड आ रहा था तो मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा था बट जैसे ही मैंने टॉर्च लगाया तभी मुझे दिख गया गोल्ड तो गोल्ड को तो छोड़ नहीं सकते थे भाई और फिर से एक क्रीपर फटा बट फ़ायदा यह था कि मैं वाटर के अंदर था जिसकी वजह से मुझे कोई डैमेज नहीं लगा क्योंकि अगर मैं वाटर में नहीं रहता तो मेरा डैमेज पूरा चला जाता उसमें ही। तो आप देख सकते हो मुझे काफ़ी अच्छे खासे मतलब गोल्ड मिल चुके हैं एंड मैं सोच रहा हूँ अभी मैं यहाँ से फटाफट से निकल लूँ क्योंकि यहाँ रुक के मेरा कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो फिर तभी मुझे लैपिस लुजील दिख गया जिसे हम लैपिस लुजील ही कहते हैं तो मैंने लैपिस लुजील भी जमा कर लिया क्योंकि मैंने लैपिस लुजील जमा नहीं किया था और जब मैं वो जमा कर रहा था तब मुझे आयरन भी दिख गया तो मैंने सोचा लगे हाथ आयरन भी तोड़ लेते हैं क्योंकि आयरन भी हमारे बाद में काफ़ी काम आएगा यार। अभी शुरुआत में हमें काफ़ी अच्छी लूट मिल गई है मतलब गोल्ड मिल चुका है एक डायमंड मिल चुका है काफ़ी सारे हमारे पास आयरन के बार से रॉ आयरन है एंड कोल है ग्लोबेरीज है मतलब ये काफ़ी अच्छा सा गेम प्ले हो गया है पहले दिन के हिसाब से। सो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए यार इतनी मेहनत करो लाइक तो करो। ये मकड़ी कहाँ से आ रही हट साला हट दूर है मुझसे दूर है पर तेरे पास में आके मारूंगा ले नहीं तो
तो गाइज मैं कहा था हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से मैं आया था अभी भी, तो गाइज आप देख सकते हो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा पिछले वाले मैप की पूरी धज्जा उड़ गई, लाइक मेरा गेम पूरा पता नहीं क्या हुआ, मैं गया मेरा मैप ऑन नहीं हो रहा है, देन मैप ऑन हो रहा है तो फिर नया नया झोल हो रहा है उसमें, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड सीन था, जिसकी वजह से मुझे फिर से नया वीडियो शुरू करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे स्टार्टिंग से गेम प्ले डालना पड़ा। तो ये मेरा हैशटैग वन नहीं रहेगा, लाइक मैं इसका हैशटैग आगे से रखूँगा, क्योंकि वन मेरा हैशटैग पहले से ही हो चुका है। और जैसे मैं ऊपर आया तो काफ़ी सारे जॉम्बीज मुझ पर हमला करने लग गए, एंड आप देख सकते हो मेरे हार्ट्स की गंदी वाली बैंड बजने लग गई। तो मैंने डिसाइड किया कि ऊपर जाने का कोई रास्ता तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऊपर की तरफ ब्लॉक तोड़ के निकलूँगा। तो काफ़ी सारे जॉम्बीज भी स्पॉन हो रहे थे, मैंने कैसे कैसे इन लोग से बचने के लिए वहाँ पे कैसे कैसे मैं इन लोग से लड़ाई कर रहा था। एक तो अंधेरा हो जा रहा था फटाक से, क्योंकि क्रीपर जैसे पड़ता सारे के सारे टॉर्च ले जाता मेरे, एंड ये देख रहे हो एक बार ढाल से रोको फिर एक बार स्वर्ड से हमला करो, ये काफ़ी ज़्यादा सही ठीक है। अगर आपके पास एक मतलब शील्ड है ना, तो आप ऐसे काफ़ी अच्छी तरह से लड़ाई कर सकते हो इन लोग से, क्योंकि इन लोग का अटैक आपको लगेगा नहीं, और लगेगा तब जब आप स्वर्ड से हमला करने जाओगे। तो आपको एक परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए आपका हमला करने का, तो जैसे आपके पास टाइम बनेगा आप हमला कीजिए। ये देखो ये इसको पता नहीं मैं भी इन सबको मार क्या रहा हूँ, ये ले हाँ, नहीं तो ढक्कन कहीं का मरना चाहता है मेरा। तो गाइस मैं ऊपर में छेद करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे यहाँ कोई रास्ता मतलब एक सेफ रास्ता तो दिखाई नहीं, मतलब सेफ छोड़ो रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो मैंने ऊपर की तरफ ब्लॉक में छेद करते गया, एंड मैं फटाफट से चढ़ते गया, जिसके वजह से ऊपर की तरफ मतलब मैं सीधा निकलूँगा ऊपर की तरफ। तो जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वीडियो को ख़त्म होने का टाइम भी हो रहा है। तो मैं फटाफट से ऊपर चढ़ने लग गया, एंड ऊपर आते ही मुझे एक राहत सी फीलिंग आई, क्योंकि इसके बाद मुझे डर्ट दिखने लग गया था। सो गाइस जैसे ही मैंने इसे तोड़ा तो इसके बाद मुझे डर्ट दिखने लग गया, तो मैं फटाफट से ऊपर जाने की तैयारी किया। एंड ये क्राफ्टिंग टेबल मैंने इसके लिए बनाया क्योंकि मेरे पास शॉवेल था, बट वो स्टोन का था, तो मैंने सोचा कि आयरन का शॉवेल भी बना लेते। तो मैंने फटाफट से आयरन का शॉवेल बनाया, एंड मैं आ गया हूँ ऊपर की तरफ। सो गाइस अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो भाई दिल से लाइक कर दीजिए, एंड मेरे पुराने मैप का मैंने आपको बताया क्या सीन था, इसकी वजह से मुझे एक नया गेम प्ले करना पड़ा और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है भाई, काफ़ी ज़्यादा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए।